जनपद हापुड़ के पिलखुआ में गौशाला बनाई जाएगी, इसके लिए 12,000 गज भूमि खरीदी गई है। इस अवसर पर जनपद हापुड़ के पिलखुआ में श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। 9 दिन की राम कथा जनपद हापुड़ के पिलखुआ के श्री रामलीला मैदान में आयोजित होगी। राम कथा से पहले शुक्रवार को कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें करीब 2100 महिलाओं ने हिस्सा लिया। बताया जा रहा है कि सखेड़ा रोड पर गौशाला छोटी पड़ रही थी, इसके पश्चात आधा किलोमीटर की दूरी पर एक नई गौशाला बनाने के लिए 12,000 गज जमीन खरीदी गई। इस अवसर पर पिलखुआ के प्रमुख मार्गों से कलश यात्रा निकाली गई, जिसका जगह जगह श्रद्धालुओं ने स्वागत किया। प्रेम शंकर पंचायती गौशाला सखेड़ा रोड, वहाँ स्थान छोटा पड़ रहा था गाय ज़्यादा से, इसके लिए एक और उससे आधा किलोमीटर ज़्यादा आगे 12,000 गज खरीदी है। उसका निर्माण कार्य चालू हो गया है, चार दीवारी हो गई है। अब उसी के सहयोग के लिए आज श्री राम कथा का आयोजन शुरू हो रहा है, जो 9 दिन तक 23 तारीख तक चलेगा। इसी उपलक्ष्य में आज कलश यात्रा है, जो लगभग 2,000 से 2,100 महिलाएं इसमें हमारे साथ शामिल हो रही हैं, उनके द्वारा ये कलश यात्रा हो रही है। कथावाचक श्रद्धेय श्री अतुल कृष्ण जी भारद्वाज, उनके द्वारा कथा होगी और महिलाएं सब कलश लेके जा रही हैं। इन सब के महिलाओं के कलश रामलीला मैदान में जो हमारा प्रांगण है वहाँ से एकत्रित हो जाएंगे और कथा समापन के दिन इनको सबको कलश वितरण किया जाएगा। प्रत्येक दिन प्रसाद वितरण होगा, आज का भी प्रसाद वितरण होगा। ये सब महिलाओं को बहुत अच्छी व्यवस्था करी है, पानी की व्यवस्था है ठंडे पानी की और सामान्यतः प्रसाद बैठने की बहुत अच्छी व्यवस्था, कूलर भी वहाँ लगे हुए हैं, पंखे भी लगे हुए हैं। मैं मोदी का दीवाना, मोदी दलित कर्क मोदी। आज यहाँ पिलखुआ में श्री राम कथा होने जा रही है, उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर भव्य कलश यात्रा का निकलने जा रही है। हमारे आचार्य अतुल कृष्ण भारद्वाज जी रथ पर सवार हो चुके हैं और ये पूरे लखनऊ के सभी मार्गों से होती हुई रामलीला मैदान जहाँ पर कथा का आयोजन होगा वहाँ पर इसका कलश यात्रा का समापन होगा। और फिर उस राम जी का जो मंदिर अयोध्या बना है, पूरे आज पूरे देश में जय श्री राम हो रही है और ये राम कथा में बहुत ही आनंद आएगा। पूरी पब्लिक आसपास के क्षेत्र के लोग यहाँ पर आएंगे और एक अमृत वर्षा यहाँ पर शुरू श्री राम जी के चरणों में होगी। अग्रवाल, ये रामलीला मैदान में जो है गौशाला के उपलक्ष्य में जो जमीन ली गई है, मतलब राम कथा का आयोजन हो रहा है, 15 तारीख से लेके 23 तारीख तक चलेगी। 3 बजे से 6 बजे तक कथा आरंभ रहेगी।